भीम ने जब आंखें खोली तो हर कोई इंसान बन गया, और हमारे भीम ने जब जुबा खोली तो हर कोई तूफान बन गया, और हमारे जब बाबा साहेब ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया। जब बाबा साहेब ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, और जब बाबा साहेब ने कलम खोली तो इस देश का संविधान बन गया, इस देश का संविधान बन गया। जब बाबा साहेब ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, और बाबा साहेब ने जब कलम खोली तो इस देश का संविधान बन गया, और इसी संविधान के चलते एक चाय बेचने वाला इस देश का मंत्री प्रधान बन गया, इस देश का मंत्री प्रधान बन गया। और कुछ दिन पहले हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया, उसको संसद भवन के सामने जलाया गया जंतर मंतर पे दिल्ली में। उन मनुवादियों के लिए हमारे बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या, और आसमान की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? आसमान की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? और तुम संविधान बदलने की बात करते हो मनुवादियों, दूसरा संविधान लिख दे ऐसा कोई बाप है क्या? ऐसा कोई बाप है क्या? कोई नहीं है, और यही बाप था सबका बाप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नागपुर में बाबा कैले बौद्ध धर्म ग्रहण हो और भेदभाव पर संस्था के कट गए ग्रहण हो। 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहेब 10 लाख अनुयायियों के साथ, 10 लाख लोगों के साथ बाबा साहेब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म में वापसी किए थे। अब सोचने वाली बात यह है, हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के इतने बड़े ज्ञानी बाबा साहेब अगर किसी धर्म को अपना रहे, इतने बड़े विद्वान अगर हिंदू धर्म को छोड़ दिए और बौद्ध धर्म में आ रहे हैं, तो हमें तो आंख मूंद करके बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाबा साहेब के बराबर लायक नहीं है, चरणों के धूल के भी बराबर नहीं है। तो जब दुनिया के इतने बड़े विद्वान जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे तो हमें आंख मूंद के चलना चाहिए। इसलिए आप लोग हिंदू धर्म को छोड़िए और अपने धर्म में वापस आइए, जहाँ पे समता समानता है, भाईचारा है, न्याय है, बंधुत्व है, जहाँ पे सभी लोग समान है, न कोई जाति है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई भेद है, न कोई भाव है, सभी लोग बराबर है। इस धर्म में आइए। और बौद्ध धर्म सिखाता है कि पहले किसी बात को जानो, उसको छानो, तब मानो। किसी भी बात को पहले जानो, उसको छानो, इसके बाद तब मानो। अगर वो बात सही है तब मानो, ये नहीं कि कोई कुछ भी कह दिया तो मान ले। हिंदू धर्म की तरह कि एक बंदर सूर्य को निगल गया, अरे बाप रे कितना बढ़िया मुंह ले ले रहे, कितना बढ़िया मुंह ले ले रहे कि पृथ्वी से 14 लाख गुने बड़े सूर्य को निगल गया वो बंदर, पता नहीं किस वेग से 50 डिग्री सेल्सियस में हालत खराब हो जा रही है हम लोगों की, और वो पता नहीं कितने बड़े आग के गोले को निगल गया, और हमारे समाज के लोग मान भी नहीं है। अब बात हमको ये नहीं समझ में आती है कि दुनिया में सूर्य एक ही है, और जब उसको कोई निगल गया तो खाली अनार भारत में भयल कि विदेशों में भयल, विदेश में भी तो अंधेरा होना चाहिए, लेकिन दुनिया में कोई नहीं मानता है, बस हम ही लोग मानते हैं कि सूर्य को किसी ने निगला था। लेकिन बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है जो भौतिकतावाद पे है, आध्यात्मिकता पे नहीं है। और बौद्ध धर्म बताता है कि पहले किसी बात को मानो, जानो, उसको छानो, इसके बाद तब मानो। इसलिए कहना है और है गरबा में डाई और हाथ में कलमी।